दोस्तों आपके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपको कंफर्म टिकट नहीं मिला होगा और आपको वेटिंग लिस्ट का टिकट लेकर इंतज़ार करना पड़ा होगा। और जब जब वेटिंग लिस्ट का टिकट मिलता है तो वो एक सरदर्द ही बन जाता है। हर बार हर दूसरे तीसरे दिन उस टिकट का आपको स्टेटस चेक करते रहना पड़ता है। बहुत से लोगों के मन में ये भी आता होगा कि कितना वेटिंग लिस्ट का टिकट ले लें कि ये कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट का था, धीरे धीरे घटते घटते RAC पहुंच गया है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप ट्रेन से यात्रा बड़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन कितना वेटिंग लिस्ट वाला टिकट लें और क्या वेटिंग लिस्ट वाला आपका जो स्टेटस है वो कन्फर्म होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे क्या क्या कारण होता है और कैसे टिकट कन्फर्म होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके वेटिंग लिस्ट टिकट से संबंधित अगर सवाल हैं तो आप कब जा रहे हो, ट्रेन नंबर क्या है, कौन सा क्लास है यानी कि स्लीपर या फिर AC, और आपका वेटिंग लिस्ट स्टेटस कितना है, आप ये कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका टिकट कन्फर्म होने वाला होगा तो मैं आपको जवाब देकर कमेंट के माध्यम से जानकारी पहुँचा दूँगा। दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि कितना वेटिंग लिस्ट कंफर्म होता है, अगर देखें तो एक ट्रेन में 300 से 400 वेटिंग तक बुक करता है रेलवे। मतलब अगर आपका 300-200 वेटिंग है तो आप भूल जाओ कि ये कभी कंफर्म होगा। बहुत रेयर ही होता है कि आपका टिकट अपग्रेड हो जाए तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। टिकट अपग्रेड कैसे होता है, अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, किसी और वीडियो में मैं आपको टिकट अपग्रेड के बारे में भी बता दूंगा। दोस्तों सबसे पहले स्लीपर के वेटिंग टिकट्स के बारे में समझते हैं कि ये कैसे कंफर्म होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर ट्रेनों में ज़्यादा कोचेस स्लीपर के ही लगे होते हैं। वेटिंग लिस्ट का टिकट कंफर्म होना डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेन में कितने ज़्यादा कोचेस हैं और साथ ही में आपको रेल से यात्रा कब करनी है। अगर आपकी ट्रेन यात्रा के दौरान आपका टिकट स्लीपर का है और 1 से 1.5 महीने का समय है और आपको वेटिंग 100 के आसपास मिल रहा है, तो ये मान के चलिए आपका वेटिंग वाला टिकट RAC तक तो पहुंच ही जाएगा जब चार्ट बनेगा। अगर आपका स्लीपर वाला टिकट 50 वेटिंग के आसपास है और ट्रेन से यात्रा करने में अभी 1 महीने का समय है, तो ये टिकट लगभग कन्फर्म की ओर पहुँच जाएगा जब ट्रेन का चार्ट बनेगा। अगर आपका वेटिंग लिस्ट वाला टिकट 28, 30, 20 है और चार्ट बनने वाला है, तो ये मान के चलिए RAC में वो टिकट पहुंच जाएगा, क्योंकि जब भी ट्रेन का चार्ट बनने वाला होता है और ट्रेन चलने के 72 घंटे पहले टिकट्स मैक्सिमम कैंसिल होते हैं। ट्रेन में कितने कोचेज हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा कोचेज होंगे उतना ही ज़्यादा कैंसिलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका टिकट 3rd AC में है और 50-60 वेटिंग के आसपास पहुंच गया है, तो बहुत रेयर होता है कि इस टाइप के टिकट कंफर्म हो, क्योंकि जब कोचेज ही कम होंगे तो कैंसिलेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। दोस्तों अगर कोई त्यौहार आने वाला है या फिर छुट्टियां आने वाली हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले टिकट जल्दी डाउन नहीं होते हैं। अगर आप इस समय किसी भी ट्रेन में वेटिंग का टिकट लेते हैं, त्यौहार आने वाला है, तो ये चीज़ मान के चलिए टिकट कन्फर्म नहीं होगा। आप किसी और हॉलीडे स्पेशल या फिर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की ओर देखें और उसमें अपना टिकट बुक कर लें। फिलहाल अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।